देखिए आर डी शर्मा का सीबीएसई 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 11 वन बाय 9 मिनट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दो पाइप है हमारे पास, पाइप ए एंड ड्राई कोल्ड पाइप लैंड टू सी और पाइप ए एंड पाइप बी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इन, ये कितना मिनट बन जाएगा बताइए, 9 × 11 99 + 1 100 100 by 9। तो हम क्या लिखेंगे इन 100 by 9 मिनट्स, क्या लिखेंगे इन 100 by 9 मिनट्स पाइप ए प्लस बी टुगेदर फिल द टैंक फिल द टैंक। कितना टैंक फिल करते हैं बताइए, पूरा। अब पूरे को क्या अज्यूम करते हैं, वन। तो देयरफॉर इन वन मिनट पाइप ए एंड बी विल फिल द टैंक विल फिल द कितना पार्ट हो जाएगा, 1/100 बाय 9/100 इक्वल्स टू 9/100 पार्ट ऑफ द टैंक। ओके, 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना फिल करेंगे, 9/100 पार्ट ऑफ द टैंक। ओके, आगे पढ़ते हैं। इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर देन द अदर। ओके, तो सपोज बी कितना लेता है, x मिनट्स, x + 5 मिनट्स। अब पहले तो यहाँ पे थोड़ा कमेंट करिए, कौन स्लोअर है कौन फास्टर है। मान लो स्लोअर फास्टर के फॉर्म में आंसर पूछ ले, एग्जाम में फास्टर बी है स्लोअर ए है। क्यों स्लोअर ए 5 मिनट ज्यादा लेता है, मतलब स्लो चल रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला बी क्या हो गया, थोड़ा सा ये भी पहचानना सीखिए, क्योंकि एग्जाम में शायद आपको पूछ ले कि भाई फाइंड द टाइम टेकन बाय स्लोअर या फिर फास्टर, कि मतलब दोनों का ना पूछे और वो किसके टर्म्स में पूछ ले, या तो स्लोअर का पूछ ले या तो वही आंसर चलेगा, दूसरा दे दोगे तो नहीं चलेगा। ओके, इसलिए स्लोअर और फास्टर पहचानना सीखिए। तो ये वाला क्या हो गया, पाइप ए फास्टर, ठीक है ना। हाँ भाई बताइए, टैप बी x मिनट में फिल करता है बराबर पूरा, तो 1 मिनट में फिल करेगा बराबर 1/x, तो टैप बी 1/x 1 मिनट में, टैप ए 1/x + 5, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 9/100, समझ लो क्यों, वॉल्यूम बाय टैप B, है ना, दिस इज द वॉल्यूम बाय टैप बी इन 1 मिनट, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट वॉल्यूम बाय टैप ए इन 1 मिनट, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज द वॉल्यूम बाय टैप ए प्लस बी टुगेदर इन 1। ओके, सॉल्व कर लीजिए, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, ये इधर 2x + 5 / इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 5x = 9/100, दिस इंप्लाइज दैट ये से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 100 × 2 = 100x + 100 × 5 = 9x² + 9 × 5 = 45x, दिस इंप्लाइज दैट इधर जीरो बच जाएगा, 9x² + 45x - 200x - 500, ओके, 9x² - 565 - 5 कितना आ जाएगा, 9x² -
165 ये ठीक है या गलत है? 155 आना चाहिए, 155x माइनस इज इक्वल्स टू जीरो क्या हो जाएगा बताइए? x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, व्हाट इज b? b इज माइनस 155, तो 1 माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, मतलब माइनस 155 स्क्वायर माइनस 4 इनटू a इज 9 इनटू c इज माइनस 500 ओवर 2 इनटू a, मतलब 2 इनटू 9 इज 18. x is equals to 155 plus minus root over इसको सॉल्व कर लेते हैं. माइनस 155 माइनस 155 पॉजिटिव हो जाएगा. 155 इनटू 155 24025 माइनस a माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. और 496 इंटू 500 18,000. आपको मोबाइल से नहीं करना है, आप खुद करिए. प्लस 24025 x इज इक्वल्स टू 155 प्लस माइनस रूट ओवर 42025 ओवर 18. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 42025 इज 205. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 155 प्लस 205. एक बार साइन कैसा लेंगे? पॉजिटिव. और एक बार साइन कैसा लेंगे? 155 माइनस 205 ओवर. ये तो आंसर नहीं चलेगा क्योंकि ये किसमें आ जाएगा? नेगेटिव में टाइम होता नहीं है, बाद वाला नंबर बड़ा है ना, माइनस में आ जाएगा, तो ये तो चलेगा नहीं. 155 प्लस 205 360 और डिवाइडेड बाय 18 20 मिनट्स. x इसको अज्यूम किया था B को क्या था? फास्टर. तो फास्टर फास्टर टैप कितना टाइम लेगा? 20 मिनट्स. और स्लोअर लेगा 20 प्लस 5 25 मिनट्स. ओके, तो ये आप फाइनल आंसर दे दीजिएगा.